का कैपिटल टीवी में। लगता है कि चीनी सैनिकों को भारत के हाथों बार बार पिटना इतना भा गया है कि वे बार बार भारतीय सेना में प्रवेश करने लगे हैं। बार बार पिटते हैं और फिर वापस चीन की सीमा में भाग खड़े होते हैं। एक बार फिर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की धुनाई की और उन्हें वहीं वापस भेज दिया जहां से आए थे। इस रिपोर्ट में देखिए। जब तक पीटता नहीं चीन है कि मानता नहीं, ऐसा लगता है चीनी सैनिक लतखोर हो गए हैं। जब तक वो भारतीय सेना के हाथों पीटते नहीं हैं, तब तक उनके बदन की थकान नहीं जाती। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर सीमा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और भारतीय सैनिकों से मार खाकर वापस अपनी सीमा में चले गए। लद्दाख और उत्तराखंड के बाद चीनी सैनिकों ने इस बार अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर सीमा पार करने की कोशिश की और लगभग 200 चीनी सैनिक भारतीय सेना में घुस गए। तभी वहां पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय सैनिकों की नजर उन पर पड़ी। फिर क्या था, भारतीय जाबाज बाज की तरह उन पर टूट पड़े और चीनी सैनिकों की पिटाई कर उन्हें वहीं चीनी सीमा में छोड़कर आए। सेना के सूत्रों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में चीन के करीब 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारत की जमीन में घुस आए। अरुणाचल सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई और ये झड़प कुछ घंटे तक चली। इस झड़प में सेना ने चीनी सैनिकों को हिरासत में भी लिया और फिर छोड़ दिया गया। सेना के सूत्रों ने आगे कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के अपने परसेप्शन हैं। कभी कभी दोनों देशों की पेट्रोलिंग टीम का आमना सामना हो जाता है, तब फेस ऑफ की सिचुएशन बनती है। इसे तय प्रोटोकॉल के हिसाब से निपटाया जाता है। कोई बात नहीं, भारतीय सेना चीन को निपटा ही रही है। भगवान ऐसे पड़ोसी किसी को भी न दे जो हर बार अपना घर छोड़कर दूसरे के दरवाजे में घुसता है, पीटता है और फिर भाग खड़ा होता है। चीनी चाऊ माऊ चच्चाऊ सुधर जाओ, वरना ये 1962 की भारतीय सेना नहीं बल्कि 2021 की इंडियन आर्मी है। पहले पीटती है, फिर घर तक छोड़ कर आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। Breaking news that's coming in right now. Face off between Indian and Chinese troops last week in Arunachal Pradesh. The troops in fact came face to face during patrolling close to the line of actual control. Around 200 Chinese troops were intercepted close to the LAC. Disengagement took place after local commanders resolved the issue. That's the latest piece of information that's coming in from around the border. There was a face-off between Indian and Chinese troops last week in the state of Arunachal Pradesh. The troops, in fact, came face-to-face during patrolling close to the line of actual control. Around 200 Chinese troops were, in fact, intercepted by the Indian forces at the LAC. The disengagement process only took place after the local commanders came into the picture and they resolved the issue. This is the information that we're getting in right now. Given the tension at the line of actual control, a face-off which possibly, in fact, could have escalated was averted because of the disengagement process that took place after local commanders from the Indian and Chinese side resolved the issue. की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के सामने फिर चीनी फौज ने हिमाकत दिखाई है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास सैनिक आमने सामने हो गए हैं। कमांडरों के दखल देने के बाद बताया ये जा रहा है कि मसला जो है वो सुलझा है, लेकिन इस बीच LAC पर 200 चीनी सैनिकों को सेना ने रोका है। ये अपने आप में बड़ी खबर है कि कैसे 200 चीनी सैनिक यहां पर पहुंचे थे। लोकल कमांडर के दखल से सुलझा है मामला, ये बताया जा रहा है कि जो लोकल कमांडर थे उन्होंने दखल दिया, जिसके बाद मामला सुलझा है। अरुणाचल सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए थे, तो LAC पर गश्त के दौरान दोनों सैनिकों का आमना सामना हो गया था, जिसके बाद बताया गया कि लगभग 200 चीनी सैनिक, क्योंकि LAC पर चीन की ये हिमाकत एक बार फिर से सामने आई है, लेकिन फिलहाल लोकल कमांडर के दखल के बाद मामले को सुलझा लिया गया है।